खा लिया रे। लेगा पट्टी को फिर एकदम खोदना पड़ेगा। मैं नहीं खोदूंगी, मैं इधर से लेके जाऊंगी, इधर पलटेगा वो। किधर पे गिराएगी? इधर बड़ा लूप बना ना, लूप तो बड़ा ही रहता है, इतना बड़ा रहता है, कोई आदमी आ पाएगा यहाँ से? हारून शेख अशरफ अली है। मैं सन 1974 की पैदाइश है। मेरा बचपना इसी एरिया में गुजरा है और कम से कम इस मोहल्ले में निरंकारी नगर में 20 से 22 साल हुआ मेरे को। ये निरंकारी नगर प्लॉट नंबर 40, 34, 60 के था। जब ये डेपो का कुछ वही नहीं था सनात, तो ये डेपो का प्लान आया तब ये रोड 90 फीट बीच में से कटा, तो ये निरंकारी उससे डिवाइड हो गया, अलग हो गया। अलग होने से फिर यहाँ के यानी कि उस एरिया से हट के कटने के बाद तब ये डंपिंग के ग्राउंड में आ गया, और डंपिंग से ऐसा है कि लाखों लोगों का घर पलता है। लखो साइन धरावी कुरला कहाँ कहाँ के लोग आते हैं जो यहाँ पे पेड़ पालने के लिए, जिनको कहाँ रोजी रोटी नहीं मिलती है वो यहाँ आता है, चुनता है, स्क्रैप वाले को बेचता है, अपना पेड़ पाले, एक दिन में 100-150 रुपये कमा लेता है। यहाँ पे रहने का कारण इन लोगों का ये है कि कितनों का पेट पलता है यहाँ पे, बाहर जाएगा कोई नौकरी देने वाला नहीं। यहाँ पे इस डंपिंग इस निरंकारी एरिया में ऐसे काफ़ी कम से कम 75% लोग ऐसे डंपिंग ग्राउंड में चुन के अपना पेट पालते हैं। Thank you.
क्या भाई तेरा? मोहम्मद हुसैन। क्या करते है? गाड़ी पे कचरा छूने आता है। कभी? कभी भी। करते क्या हो ये बताओ? मैं भंगार छूने आता हूँ गाड़ी पे। तो कितने का माल छून लेते हो तुम एक दिन में? कभी 100 का बेचता हूँ, कभी 50 का। मैं हम लोग ना बहुत 15-20 दिन की शाले बात है, हम लोग यहाँ पर जब आते थे ना तो ये रोड पर पूरा कटिंग चलता था, तो हम लोग यहाँ पर भंगार बहुत चुनते थे ना, तो हम लोग बचपन से इधर पे छोटे में से ना भंगार चुनते आए। हाँ, तो हम लोग इधर ही भंगार चुनते, पेपर ऊपर की गाड़ी गिरती वो सब लेके जाते हम लोग, और मैं हम लोग के दोस्त लोग भी, और यहाँ पर रात में ना गुन गाड़ी गिरती है ना वही हम लोग सुबह के लेके जाते हैं। नाइट में कुछ 10-10:30 बजे के टाइम पे गाड़ी आती है, तो सुबह के लगभग होएगा कम से 5-10 हज़ार पब्लिक यहाँ पे चुनती है कचरा, फिर वो जाती है तो नाइट वाला जो आता है फिर वो चुनना चालू करता है, तो उन लोगों में भी सिस्टम बांध दे के डे में ये लोग चुनते हैं, नाइट में ये लोग आके चुनते हैं, ऐसा तरीके से लोगों का चलता है। जैसे कि नाइट की जो गाड़ियों में जैसे कि थर्माकोल, जैसे कि होटल लाइन की गाड़ियाँ नाइट में ज़्यादातर आती है अक्सर कर, और डे वाली गाड़ी में बॉम्बे का कचरा आता है, तो बॉम्बे के कचरे में अलग अलग प्रकार के चीज़ आती है। और फिर ना इधर पे मट्टी का लूप था ना, ये दोनों मट्टी का लूप ज्वाइंट करने वाले थे ना, तो हम लोग नीचे थे ना, फोकले ना नीचे मट्टी छोड़ रहा था ना, तो हम लोग के पैर पर पत्थर गिरने वाला था, तो अब एक आदमी हम लोग को घसीट लिया। और यहाँ कितने लोग कचरा चुनते हैं? बहुत ज्यादा। कितना? हजारों। ये सब पूरा निरंकारी वाले? हाँ, बाबा नगर के भी, तो बाबा नगर नगर के सब लोग आते। पहले तुम आते तो ना ये लुक एकदम मस्त था, इधर पे एकदम अच्छा था, सब खेलते थे इधर। क्या हुआ एक दिन, क्या हुआ डब्बा बोलते ना, डब्बा बच्चे पकड़ने की गाड़ी हुआ, तो ना जब से ना यहाँ पर ना सब अच्छे से रहते थे ना, इधर पे छीनने आते थे, तो डब्बा आने लगा ना तो सबको पकड़ पकड़ के लेके जाता ना, इसके लिए पब्लिक ना डर डर के कम हो गई। तुम कितने दिन से चुन रहे हो? हाँ, हम बहुत दिन से चुन रहे, जब ये खाड़ी ना हम लोग के आँख के सामने बनी है। हम दोनों पहले क्या था इधर? पर इधर खाली कटिंग चलती थी, फॉर्म्स कटिंग। क्या कटिंग? फॉर्म्स कटिंग। कटिंग यानी देखो ये मट्टी ना ऊपर फेंकते थे वो लोग, फेंकने लोग। अभी ये जितना भी है ये डंपिंग, आज जो पहाड़ नुमा दिख रहा है ये कोई टाइम पे कचरा था, इसमें जरूरी नहीं है कि कूड़ा कचरा ही आता है, इसमें मिट्टी भी आती है और गंदगी भी आती है, हर चीज़ किस्म का यहाँ पे गंदगी आती है, उसमें आते उसमें बन के खाद बन के गलता है, तो उसकी पलटी होती कटिंग, तो उसको मिक्स करेंगे तभी वो कॉकटेल होता है, एक कॉकटेल होने पे ना राख नुमा बन जाता है, तो ये अल्टी पलटी करते रहते ताकि कचरे की लोड है बढ़ते रहता है, हर बारिश में कम से कम 10-15 फीट हाइट इसकी बढ़ती है। पत्थर आता था ना ऐसा बकेट ऐसा लेके आता था ना पंडी करके, एक दिन क्या हुआ इतना बड़ा पत्थर गिर गया एक लड़के के सर पे, वो लड़का रात के टाइम नाइट चुन रहा था, मर गया, उसी को गाड़ डाले वहीं पर। और एक बार हम लोग के सानू भाई के यहाँ पर एक लड़का काम करता था, उसका भी मोहम्मद हुसैन नाम था, डोजर से कचल गया था, एकदम हड्डी बन गई थी,
बहुत साल की बात। क्या भाई कौन है ये? भाई सन भाई नीचे बंगाल सब उसी के तो नाम पे उछलते कौन है वो पटेल कौन है करोड़पति यही तो लोग खुलवाता है वही तो लोग खुलवाया पकड़े निकले उसी के तो है। तो तुम भाई को थोड़ा पैसा देते हो? नहीं पैसा काय को दे हम लोग माल ही बेचे पैसा नहीं दे हम लोग माल भाई को बेचते हो भाई हम लोग को पैसा देते हैं तो मैं जब से नहीं बेचता वहाँ पर पैसा माल कहाँ बेचता रोड पे पहले मैं सानू भाई के यहाँ पर रात भर रहता था अब नहीं रहने लगा निर्मा बोली नहीं रहने का मैं छोड़ दिया मैं माल नहीं बेचूंगा कल से कल आज बेचूंगा कल से नहीं बेचूंगा कल से तो छुट्टी भी नहीं जल्दी बातों मेरे को छूने जाने का जैसे कि मान लो मैं एक स्क्रैप वाला हूँ मैं डायरेक्ट डंपिंग में जाता नहीं तो मेरे को कोई लाके चुन के दिया तो चुन के लाके देने के बाद किसी और के पास लाके देता उसका काम वो धोता है वो पन्नी स्क्रैप जो गंदी पन्नी आती है उसको गंदे पानी से धोता है फिर साफ पानी से धोता है फिर हम लोगों को लाके बेचता है फिर हम लोग क्या करते हैं उसको कोई बड़े डीलर को जाके उसको वेट पर जाके बेचते इस लाइन में पढ़ के मालूम पड़ा कि हर सड़ी चीज़ से ही अच्छी चीज़ बनती है डंपिंग ग्राउंड के अंदर से इतनी गंदगी से चीज़ आती है बाहर वो कंपनी पहुंचने तक इतनी फिल्टर होके जाती है कि ताकि डायरेक्ट कंपनी में जाते के साथ वो स्क्रैप में दाना बनता है वो दाने से कई किस्म की चीज़ बनती है।